सी नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. इसमें फर्स्ट वन देखो क्या है, x2 plus 2x minus 20 divided by 3x minus 5 is equal to x2 plus 8x plus 12 divided by 2x plus 3. ओके सॉल्यूशन स्टार्ट किया. अब देखो यहां पे एक्चुअली हम लोग को 12x, यहां पर भी हमें 12x minus 20 चाहिए और यहां पे 8x plus 12 चाहिए, तो ये हम लोग कैसे आगे इसको बाय डिविडेंड कर सकते हैं ना. नहीं तो इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 1/4. इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी और इसको भी. जब 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, x2 plus 12x minus 20, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 12x minus 20. सी नाउ 12x minus 20, 12x minus 20. सेम यहां पर भी चेंजेस हुए, x2 plus 8x plus 12 as it is और 8x plus 3. समझ में ना, 8x plus 3. सॉरी सी क्या हुआ, x2 plus 12x minus 20, 12x minus 20 is equal to x2 plus 8x plus 12, 8x plus 12. ओके बाय डिविडेंड क्या करना है, देखो ये दोनों सेम है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस, इसको डिविडेंड करना है. मतलब क्या कि ये जो टर्म है इस टर्म को इसमें से माइनस करना है और इस टर्म को इसमें से माइनस करना है. सो बाय डिविडेंड क्या आएगा, x2 plus 12x minus 20 minus 12x minus 20 divided by 12x minus 20. a minus b का तो b यही पे है ना, x2 plus 8x plus 12 minus 8x plus 12 divided by 8x plus 12. Open the brackets, you will get x2 plus 12x minus 20 minus 12x plus 20, x2 plus 8x plus 12 minus 8x minus 12 divided by 8x plus 12, and here 12x minus 20. Now see, 12x cancel, plus minus, minus 20 plus 20 cancel. प्लस 8x माइनस 8x कैंसिल, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, बचा क्या, x2 अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल टू x2 अपॉन 8x प्लस 12, राइट, ये आंसर होता है. अगर मैंने x इक्वल टू 0 लिया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन में x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 0 तो पूरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. ये सेटिस्फाइड होगा क्योंकि देखो x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन कोई भी नंबर लो आंसर 0, 0 अपॉन कोई भी नंबर लो आंसर 0. नाउ फॉर x इक्वल टू 0 द इक्वेशन इज एविडेंटली सैटिस्फाइड. एविडेंटली सैटिस्फाइड इसमें मतलब क्या कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास एविडेंस है और उन्होंने उसे सैटिस्फाइड करके दिखाया है. सो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 इज वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 जब है तो इसके अलावा भी एक सॉल्यूशन हो सकता है. x के अलावा एक सॉल्यूशन हो सकता है. अगर x इज इक्वल टू 0 नहीं है, x इज इक्वल टू 0 नहीं है तो x स्क्वायर भी 0 नहीं होगा, राइट. सो यहां पे देखो 1 अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8x प्लस 20. क्या किया यहां पे, डिवाइड बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर से इसको डिवाइड किया. x स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, 1 अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8x प्लस 12. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 12x माइनस 20, 8x प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 12, माइनस 4x इक्वल टू माइनस 32, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 8. सो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. मतलब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो x इज इक्वल टू 0 हो सकता है या तो x इज इक्वल टू 8 भी हो सकता है. आया समझ में, राइट डाउन. Now, see second sum is 10x square plus 15x plus 63, 5x square minus 25x plus 12 is equal to 2x plus 3, x minus 5. यहाँ पे देखो 10x square plus 15x plus 63, 5x square minus 25x plus 12 is equal to 2x plus 3 and x minus 5. इसमें से अगर मैंने 5x को common लिया इस term में, तो bracket में क्या बचेगा, 2x plus 3. ओके यहां पर भी 5 कॉमन है तो क्या होता है, x - 5 + 12 = 2x + 3
x माइनस फाइव। अब ये दोनों कट हो गए। अब देखो 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री, x माइनस फाइव, x माइनस फाइव सेम है। तो क्या किया, लाइक 2x प्लस थ्री अपॉन x माइनस फाइव इज इक्वल टू a अपॉन b। इसको क्या हम लोग ने अज्यूम किया a अपॉन b। सो a प्लस 63 अपॉन b प्लस 12 इज इक्वल टू a अपॉन b। क्रॉस मल्टीप्लाई b इनटू a प्लस 63 इज इक्वल टू a इनटू b प्लस 12। a इनटू b ab प्लस 63b इज इक्वल टू a इनटू b ab प्लस 12 a। a एज इज का 12 यहां पे डिवाइड हो गए, 63 a पे के b यहां पे डिवाइड है। सो a अपॉन b इज इक्वल टू व्हाट, 63 अपॉन 12। क्या आया, a अपॉन b इज इक्वल टू 63 अपॉन 12। रिप्लेस a अपॉन b इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड x माइनस 5। a अपॉन b की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 एंड x माइनस 5। सो 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 63 अपॉन 12। क्या आया, 63 अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 इनटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 63 इनटू x माइनस 5। 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 63x माइनस 315। 36 प्लस 315 इज इक्वल टू 63x माइनस 24x। आंसर इज 351 इज इक्वल टू 39x। x इज इक्वल टू 351 डिवाइड बाय 39। आंसर इज 9। अब डायरेक्ट आंसर 9 कैसे लेगा, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, समझ गए। तो 99 का 81 तो आने के चांसेस है यहाँ पे। देखो 9 के रैंक के तो यूनिट में बार आते ना, तो इसलिए ट्राई किया और आंसर आया 39 को मैंने 9 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 351 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। देखो पहले से हमें x इक्वल टू 0 मिला, इसके लिए x का दूसरा वैल्यू भी फाइंड करना पड़ा। यहाँ पे x के एक ही वैल्यू है, दैट इज 9। अंडरस्टूड राइट।